लॉकडाउन के दौरान आबकारी विभाग के निर्देश के बाद समस्त शराब के ठेके बंद कर दिए गए, लेकिन सीकर के दातारामगढ़ में खुलेआम शराब बेचने वालों के हौसले बुलंद हैं। इसी के चलते दातारामगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन में अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी लाल सिंह यादव ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दांसरोली से कांकरा जाने वाली सड़क के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। ऐसे में डीएसटी की टीम और पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी बलवीर सिंह को धर दबोचा। इसी के साथ मौके से 46 पव्वे और 47 बियर की बॉटल्स भी जब्त की। इसके अलावा आरोपी के पास से 21,400 रुपए की नगद राशि बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथ पूछताछ में जुटी है। टीम की सूचना पर ग्राम डांसरोली में अवैध शराब के खिलाफ श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 2 पेटी बियर देसी शराब और अंग्रेजी शराब की जब्त की गई है। इसमें एक मुलजिम बलबीर सिंह निवासी चूरू को भी